नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मैं विनय प्रताप सिंह, आज हम पहुंचे हैं सिकोआबाद। सिकोआबाद में ऐसे बच्चों से आपको रूबरू कराएंगे जो आंखों पे पट्टी बांध के किसी कोई भी अखबार दे दो, किताब दे दो, मोबाइल दे दो, कोई भी स्क्रीन दे दो, कोई फोटो दे दो, ये सारी चीजों को बखूबी बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो सीधा सीधा नहीं पढ़ पाते हैं, मगर ये बच्चों में ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है जो इस प्रतिभा को ये उजागर करना चाह रहे हैं, जिससे आंखों पर पट्टी इनके बनी हुई है। आप देख सकते हैं चार बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। एक बच्ची है, क्या नाम है बच्ची आपका, क्या नाम बेटा आपसे पूछ रहा हूँ? रानी। क्या एज रही होगी आपकी, क्या है अभी एज? अभी एज 14। आपका क्या नाम है बेटा? गौरी। आपकी एज क्या है? 15। एक बच्चा है, क्या नाम बच्चा आपका? अनुराग। क्या एज है आपकी बेटा? आप सबसे छोटा बुड्ढा है ये, क्या नाम बेटा आपका? गुलशन। 9 ईयर है आपकी। तो देख सकते हैं चार बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आंखों पर सबके पट्टी बनी हुई है। हम एक एक करके अखबार मंगाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं या गलत हैं, ये मस्तिष्क से पढ़ते हैं किस प्रकार से, कहीं अक्षरों को बुझे हुए अक्षरों में पढ़ सकते हैं या किस प्रकार से ये पढ़ते हैं, क्या इनकी प्रतिभा है, आइए जानते हैं। बस कई एक दो अखबार हैं और एक पुस्तक है, पुस्तक में भी पूछेंगे बच्चों से। और पहले तो ये अखबार है, जैसे इसमें कुछ ना कुछ छपा हुआ है, ऐड भी है बहुत से लोगों के, इनसे एक एक करके ऐड के बारे में भी जानते हैं और कहीं आपको ये ना लगे कि ये फेक है क्या है। मैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ कि मैं बच्चों से क्या पूछने वाला हूँ। और आपको दिखाते ही चलेंगे कि हम बच्चों से क्या पूछ रहे हैं। तो पहले इस बच्चे से स्टार्ट करते हैं। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये बता। ये शुभ दीपावली की मिठाइयों का मजा कुमार डेयरी घी के साथ। अवेलेबल 15 kg, देख सकते हैं बच्चे ने किस प्रकार से ये बताया, सारी चीजें बताई हैं। और हम नीचे देखते हैं एक जो फोटो है, फोटो में क्या है, किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, आपको दिखा सकते हैं। और ये भी बच्चे से जानने का प्रयास करते हैं, बेटा ये किसका फोटो है, क्या नाम है इनका? अवधेश पाठक जी किस प्रकार की वेशभूषा में हैं, ये बता। ये गाज, वो एक चप्पल लगाए और ये गमछा अच्छा, डाले हुए हैं। अच्छा, इनकी चेहरे की बनावट कैसी है? चलिए ठीक। अच्छा एक बच्चा और है, छोटा, सबसे छोटा बच्चा है, इससे भी जानने का प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं सब बच्चों में ये प्रतिभा है कि एक में ही है, और लिख के भी देखेंगे क्या नहीं है क्या है, और देखना मत बेटा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये अभी क्षेत्र वासियों को
लेते हैं कि हमें भी कहीं समझ में आता है ये काली पट्टी में कहीं जानी तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है, हम भी बांध के देखते हैं क्या ऐसे है और कहीं दिखता भी है या नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं मोटा तो बहुत है। और देख सकते हैं हमने देखा है तो पता भी नहीं चल रहा है क्या कहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी सही बोल रहे हैं। और देते हैं बच्ची को दिखा सकते हैं, ये हमने ये पेज निकाला है, ये बच्ची यही पेज निकाल करके और पढ़ेगी, अभी 71 नंबर पेज निकाल के पढ़ो जरा क्या है उसको। हमारे देश में शिक्षा का गलत स्तर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, इसके मूल कारण क्या हो सकते हैं, ये विचारणीय विषय है। गंभीरता से विचार किया जाते देखने को मिलता है कि हमारे देश में शिक्षा के गिरते स्तर के प्रमुख कारण है। कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी पढ़ लेती हो, एक पैरा मांगे इंग्लिश का भी देखते हैं, 180 नंबर आपको निकालना है, 180 देखिए किस प्रकार से बच्ची ने वही पेज निकाल लिया है। अब ऊपर से बेटा पढ़ना पूरा, ये अ यूनाइटेड वर्ल्ड एंड वी इंडियंस थॉट फॉर द न्यू मिलेनियम द वेल्थ फॉर द एनिमल ऑफ द ए न्यू मिलेनियम कैन बी हियर बट द वर्ल्ड पीस इन ए थायरेंड कैंडियस वंस अगेन एंड दिस टाइम इट इज ए बूमिंग इन ए युवास लिविंग द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड गोस बैक to the history of mankind's time is the only witness to what this world has faced over the our agonies to war. क्या नाम है बेटा आपका? राही। इसे भी जानने का प्रयास करते हैं, तो ये जानेंगे कि किस प्रकार से सीखे हैं सारी चीजें। ये पेज नंबर है 82 पे क्या है पुस्तक में निकालते हैं, जरा पढ़ो पेज नंबर 82 जी। पेज नंबर हाँ जी, और क्या है इसको? माता पिता का उत्तरदायित्व, जब कोई बालक पैदा होता है तो उसके जीवन के साथ उसके माता पिता की अनुकूल का जुड़ जाती है तथा भी अपने पुत्र
अपने सहयोग डालते हैं कि हमारा बच्चा आगे चलकर एक महान आदमी बनेगा, परंतु क्या उसका बेटा उसके सामने साकार करने के सक्षम होता है? यदि वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का स्वप्न पूरा कर पाते हैं। अच्छा, आप भी इंग्लिश पढ़ लेते हो? इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो? अच्छा, आपको निकालना है 168 A group of four was the heart of all activities in the college park was a boy who revolted particularly in all activities he did speed more than अच्छा। देख सकते हैं बच्चों से कहीं भी आप बुलवा सकते हैं, कुछ भी चीज दिखा सकते हैं और कोई भी तस्वीर हो सारी चीजें बता सकते हैं। बच्चा में ये जज्बा कहाँ से आई और क्या क्या इनमें एक्टिविटी और है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बेटा जो जैसे ये तो ठीक है, आप आंखें बंद करके बता लेते हो, पढ़ लेते हो सारी चीजें, और जैसे कोई लिख दे वो भी पढ़ ले हो, और जैसे मोबाइल है इसमें आपको कोई तस्वीर दिखाई जाए उसको आप बताए होगी तस्वीर। अच्छा, कलर भी बताए होगी। अच्छा, ये हमारी स्क्रीन का भी क्या है? और क्या क्या इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों में ये प्रतिभा है और कहाँ से ये प्रतिभा आई, बच्चों से जानने का प्रयास करें। बेटा ये आप लोगों मिशन जीनियस माइंड है और आप लिख भी सकते हो, जैसे आंख बंद करके कुछ आपसे वर्ड हम आपको बोले तो लिख भी सकते हो। चलिए हम आप इनको एक कॉपी भी देते हैं, हमारे पास ये कौन पेन है मौजूद है, देख सकते हैं। आपको लिखना है 239। अरे सुरेंद्र पाल कौर, इसको हिंदी में चलिए ठीक है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं जो अपने बच्चों को बताया वो बच्चे बखूबी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कहाँ से आपको ये तालीम हासिल हुई है, शिक्षा आपने ली है, ये कहाँ से लिए हो? मिशन जीनियस माइंड। तो क्या नाम है आपके साथ? संजय सर। वो आपके साथ आए थे? अच्छा अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? शिपावान में किस जगह? अच्छा अच्छा, चलिए देख सकते हैं। और बच्चों को तो आपने देख ही लिया है और सर से भी जानने का प्रयास करेंगे ये जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने किस प्रकार से बच्चों को तालीम देते हैं,
और किस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं, किस प्रकार से मान पढ़ना सिखाते हैं, किस प्रकार से कहते हैं कि कहीं जाद टोना तो नहीं है, कहीं कहीं दिव्य शक्तियाँ बच्चों में आई हुई हैं, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कहते हैं नहीं है, बड़े बूढ़े जो कहते हैं, बुजुर्ग लोग जो कहते हैं कि जो ही की भी जो होता है किसी आँख होती है, तो सबसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपनी पट्टी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चार लोग अब सर से वार्ता करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये बच्चों को कि तालीम किस प्रकार से देते हैं। और एक बच्चों में एक प्रतिभा और है, आपको जो मैंने सुना है सबने बताया था अभी सुनने सबने, तो कि आप सबने सबने कि आपको पैरों के नीचे रखे भी आप बता दें तो क्या लिखा हुआ है, ट्रेनी है और बच्चों को जो शिक्षा देते हैं और सिखाते हैं किस प्रकार से बच्चे में अद्भुत प्रतिभा संजय दी है। क्या नाम है सर आपका? संजय, मेरा नाम है संजय। अच्छा सर जी, जो आपने ये बच्चों को जो शिक्षा दी है जी, कहाँ से दी है, आपके पास ये तालीम कहाँ से आई सर? देखिए सर, मैंने इस चीज की ट्रेनिंग दी है बच्चों को सिखाने की, और मेरा मिशन भी यही है कि जो बच्चों के अंदर प्रतिभा है ये हर बच्चे तक घर घर तक पहुँचे, क्योंकि स्कूलों में, विद्यालयों में और घरों में गार्जियंस, माता पिता सब लोग कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, लेकिन ध्यान से बच्चे सब तब पढ़ेंगे जब उनको ध्यान सिखाया गया हो, तो उनको ध्यान सिखाया ही नहीं गया तो ध्यान लगाएंगे कहाँ से। तो बच्चों को मैं एक इस तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ जिसमें कुछ डांस कराता हूँ, कुछ प्रयास दिखाता हूँ और तरह तरह के डांस करा करके, योग करा करके, ये योग और विज्ञान का जो मिला जुला कम्युनिकेशन है, फिर उसके बाद एक ऐसा म्यूजिक दिया जाता है जापानी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है, उसको देने के बाद में जो बच्चों के अंदर दोनों यहाँ से और यहाँ से, यहाँ एक बीच में पीनियल ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं उसको पीनियल ग्रंथि बोलते हैं हिंदी भाषा में, कुछ लोग उसके तीसरे आंख भी बोलते हैं, वो उसका जो एक्टिवेशन हो जाता है वो जागृत हो जाती है, उसके कारण बच्चों में इतनी प्रतिभा आ जाती है कि बच्चों का विजुलाइजेशन, फोटोग्राफर मेमोरी, लर्निंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, और जो बच्चे दो घंटे में पुस्तक को याद करते हैं वो आधा घंटे में उनको आने लगती है। जैसा कि सर देखा जाए तो जो आप शिक्षा देते हैं कितने से कितने वर्ष तक के बच्चे प्रतिभा को सीख सकते हैं? जी सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है, वो 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में प्रतिभा जल्दी आ जाती है। नहीं, जैसे 15 साल से अगर ऊपर कोई जाता है तो उसको समय लगेगा सीखने में? जी सर हाँ, क्योंकि दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं आदमी के अंदर, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के, तो छोटे बच्चों में मेलाटोनिन का सीक्रेशन अधिक होता है, उसकी वजह से प्रतिभा बच्चों के अंदर बहुत जल्दी आ जाती है। अच्छा, जो आपको ये विचार कैसे आया और किस प्रकार से आया कि बच्चों में इस प्रकार की प्रतिभा होनी चाहिए, और ये जो आपने तालीम ली है ये कहाँ से ली है? देखिए सर, ये मैंने कोई तालीम ली तो मिशन निर्देश मैम जो संस्था है ये एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ से मैंने इसकी फ्रेंचाइजी ली है, मैं अगर ट्रेनर काम कर रहा हूँ, मुझे मैंने वहाँ से ट्रेनिंग देने के बाद में मैंने इस बात का संकल्प लिया कि और हर घर में, हर स्कूल में जा जा करके बच्चों को इस गति से उनका जो दिमाग है उसको तेज किया जाए इस तरीके से, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा के, अनोखी प्रतिभा के अंदर आएंगे, और कुछ बड़ा जो बच्चा आंख बंद करके सब देख सकता, पढ़ सकता, वो क्या नहीं कर सकता, ये सोचने वाला विषय। देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं सीधा सीधा भी नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे बच्चे पढ़ गए घर पे जाके भूल गए, तो सारी चीजों का समाधान भी है? बिल्कुल सर है, बहुत बढ़िया सवाल आपका है। जो अच्छे पढ़ नहीं पाते हैं जल्दी भूल जाते हैं, एग्जाम के टाइम पर उनको याद नहीं रहता, पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं परीक्षा टाइम पर ही जाके भूल जाते हैं और गेट के बाहर तक याद रहते हैं, कुछ तुरंत पढ़ जाते हैं, तो सारी चीजों का समाधान इसमें है। अगर इस कोर्स को बच्चे करते हैं तो सारी चीजें बच्चों के अंदर उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होता है। अच्छा, जैसे कि जो फीस का भी प्रावधान है आपके यहाँ होगा, कितने से कितने तक के बच्चों का इसमें फीस आप शुल्क लेते हैं?
देखिए सर, स्वर्ग तो एक अलग चीज है, स्वर्ग के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसमें जैसे 15 साल से ऊपर अलग शुल्क होगा, नीचे अलग शुल्क होगा, 5 साल के बच्चों का अलग शुल्क होगा, इसमें भी कुछ अलग शुल्क होगा। शुल्क वाली बात तो नहीं है सर, ये आप बच्चों को ऐसे ही शिक्षा देंगे सर। शुल्क के नाम पर तो शुल्क अपने आपको सीधी सीधी बात बता सकते हैं, शुल्क का तो यहाँ कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा का कोई मोल नहीं होता, शिक्षा का तो एक गुरु दक्षिणा होती है, बच्चा सीख जाता है तो गुरु की दक्षिणा का तो कोई अनमोल मोल ही नहीं। जैसे गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी तो श्री कृष्ण जी से मांगी गई थी, सुदामा जी से सीख किया है, तो इसका मतलब उन्होंने गुरु शांति पर मांग लिया कि मेरे बेटे को इतना करके ला दो, तो आपका गुरु ने थोड़ों को इतना बच्चों को लिया, अगर मुझसे मांगा जाए मैं मांग लो कि नहीं मैंने गुरु को बच्चों को शिक्षा दी है तो मेरा ये काम कर मेरा घर बनवा दो, तो बच्चे कैपेसिटी देंगे तो कहाँ से बनवा दे रहे हो, तो शिक्षा का कोई अनुभव नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे आए हैं जी, आप आए हैं, आप देख रहे हैं कि समय निकाला बच्चों ने निकाला, कहीं ना कहीं देखा जाए आप कहीं भी और भी चैनलों पर आपने चलवाया है तो क्या कुछ वहाँ पे। देखिए सर, बाद में करीब करीब 2200 बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ अभी तक, और लगातार बच्चे मेरे पास आते हैं, कई स्कूलों में भी अलग अलग स्कूलों से बच्चे पढ़ भी रहे हैं, वहाँ बच्चे सीखने आते हैं, इनको इंटरेस्ट होता है वो आते हैं। अच्छा, ये जो आपका मिशन जीनियस माइंड जो है संस्था है या आप ट्रेनिंग कहिए, तो कहाँ तक आप को पहुंचाना चाहते हैं, कितने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं सर? एक बार में 10 से 12 बच्चों को एक बैच में देता हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि पर्टिकुलर बच्चे को समय देना पड़ता है। अच्छा, समय कितना देते हैं आप बच्चों को? सर ये लगभग 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में करीब करीब मोस्टली, वैसे मेरे यहाँ क्लास होती है संडे टू संडे वीकली, और तो संडे टू संडे और 1 घंटे की लगभग प्रैक्टिस होती है, बस उसी से 3-4 महीने के अंदर ये छोटा बच्चों का अंदर आ ही जाता। हमारे चैनल के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो जिनके बच्चे हैं तो जो पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, और पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं और इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिनको जल्दी जल्दी याद नहीं हो पाता है, लंबे समय तक याद नहीं रहता, तो मैं तो यही कहूँगा इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप ये एजुकेशन दें और बच्चों को ध्यान योगिक क्रियाएं कराएं, उससे ज्यादा बच्चे ज्यादा लाभान्वित हो सकें, मेरा दर्शकों से यही अनुरोध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।